पंजाब में कांग्रेस के अंदरूनी घमासान के बीच राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से करीब 45 मिनट चली मुलाकात के बाद हलचल और बढ़ा दी है। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह के अगले राजनीतिक कदम को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि पार्टी कैप्टन को सही तरीके से इस्तेमाल की रणनीति पर विचार कर रही है। चर्चा ये भी है कि कैप्टन को पार्टी में शामिल कराकर एक चेहरे के रूप में पेश करना उचित रहेगा या कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में एक नए राजनीतिक दल का गठन हो और बीजेपी उसका बाहर से सपोर्ट करे, इस संभावना पर भी गंभीरता से विचार किया गया है। कैप्टन की गृह मंत्री से मुलाकात को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। वो जल्द ही कांग्रेस में इस्तीफा देने का बड़ा ऐलान कर सकते हैं। इसके साथ ही चर्चाएं हैं कि बीजेपी कैप्टन को राज्यसभा सांसद बनाकर कोई बड़ा मंत्रालय केंद्र में देने पर विचार कर रही है। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि कैप्टन को कृषि मंत्री बनाकर किसानों को मनाने के लिए बीजेपी फिर कैप्टन के पाले में गेंद फेंक देगी। ये सभी अटकलें अभी चल रही हैं। दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह और अमित शाह की मुलाकात के बीच ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के एक करीबी सहयोगी ने ट्वीट किया। इस ट्वीट में लिखा गया कि अनुभव की कीमत क्या होती है, ये कांग्रेस को कल पता चलेगा। बीजेपी अध्यक्ष के करीबी का ये ट्वीट बड़ा संकेत माना गया है कि अब कैप्टन जल्द ही बड़ा ऐलान कर देंगे। हालांकि इस ट्वीट के कुछ देर होते ही इसे डिलीट भी कर दिया गया। जाहिर है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और गृह मंत्री अमित शाह की इस मुलाकात ने पंजाब में राजनीतिक सस्पेंस बढ़ा दिया है। टोटल न्यूज के लिए प्रदीप कुमार की रिपोर्ट।